घोषणा के बाद भी आरंभ नहीं हुई शहडोल नागपुर के मध्य यात्री ट्रेन चित्रकूट एक्सप्रेस का प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते में। मोदी सरकार द्वारा वर्षों बाद नैनपुर से सिवनी होते हुए छिंदवाड़ा के मध्य छोटी रेल लाइन को ब्रॉडगेज में तब्दील करने हेतु राशि आवंटित कर कार्य पूर्ण करा लिया गया है। मध्य प्रदेश के सिवनी रेलवे स्टेशन से विगत 22 अप्रैल से छिंदवाड़ा तक यात्री गाड़ियों का संचालन हो चुका है। वहीं पातालकोट एक्सप्रेस भी सिवनी तक संचालित हो रही है, जबकि रीवा इतवारी एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन सिवनी होकर नागपुर तक यात्रियों को आवागमन की सुविधा दे रही है। शहडोल, मंडला, बालाघाट व छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए शहडोल से नागपुर के मध्य 4 सितंबर से यात्री ट्रेन का संचालन आरंभ करने के लिए रेलवे बोर्ड ने समय सारणी भी घोषित कर दी थी, लेकिन इसे तकनीकी कारण बताकर रद्द कर दिया गया। लेकिन उसके बाद आज तक क्षेत्रीय सांसद व मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते व सिवनी सांसद डॉक्टर दाल सिंह बिसेन ने शहडोल नागपुर के मध्य यात्री ट्रेन आरंभ करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। 3 दिन तक चलनी थी चित्रकूट एक्सप्रेस। वर्तमान में जबलपुर से लखनऊ के मध्य चल रही चित्रकूट एक्सप्रेस को सिवनी होकर छिंदवाड़ा तक चलाए जाने का प्रस्ताव दक्षिण पूर्व मध्य रेल बिलासपुर जोन ने रेल बोर्ड को दिया था। ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलनी थी, लेकिन आज तक इस बारे में रेल बोर्ड ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इस ट्रेन का फायदा जिले के नागरिकों को होता जो उत्तर प्रदेश के पर्यटन व धार्मिक स्थलों में भ्रमण के लिए जाते हैं, जो अभी तक बसों में मनमाना किराया दे रहे हैं।